हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से रेलवे टिकट को कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। हमने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको टिकट बुक करना सिखाया था, लेकिन आज हम उस टिकट को कैंसिल करना सीखने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले IRCTC की जो एप्लीकेशन जिससे हमने टिकट को बुक किया था, आपको उसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको जो भी टिकट आपने बुक किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपकमिंग जनवरी पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी टिकट बुक किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा 16 जून के लिए टिकट है और आज 13 जून है तो मुझे इसको कैंसिल करना है। तो जैसे ही आप टिकट को इस तरह से ओपन कर लेंगे, ऊपर की तरफ तीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये मेन्यू ओपन हो जाएंगे जिसमें दूसरे नंबर पर होगा कैंसिल टिकट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो टिकट आप कैंसिल करना चाहते हैं, देखिए अभी मेरे पास में केवल एक ही टिकट है तो मैंने अभी एक को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ आप कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको ये कंफर्म कर देना है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया करंट स्टेटस, ये कैंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिल। पहले ये कंफर्म था लेकिन अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साथ में देखिए कोच कौन सा था, बर्थ का टाइप कैसा था, ठीक है, पैसेंजर एक था, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा, PNR स्टेटस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो अब PNR स्टेटस भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ये अब आपको कैंसिल ही दिखाई देगा, वहाँ पे शो नहीं होगा। तो अब बात होती है कि इसका पेमेंट आपको कैसे आएगा। तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में ये पेमेंट आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।